hello everyone last time we have seen the linearity property periodicity property and time reversal property now let us see the uh, property number 4 that is time shift property this is circular time shift property all property related with the dft are circular shifting property so circular time shift circular frequency shift property okay तो सर्कुलर टाइमशिप प्रॉपर्टी दिस इज बेसिकली सर्कुलर टाइमशिप बोलना चाहिए एक्चुअली इसको ओके सो विस रेड इज सर्कुलर टाइमशिप प्रॉपर्टी ओके सो दिस प्रॉपर्टी इफ एक्स ऑफ एन हैविंग एक्स ऑफ के है सो अगर हम लोग डिले करते हैं सिग्नल को ओके okay, तो उसका डीएफटी क्या रहेगा इट्स डी एफ टी विल बी डब्ल्यू एन रेस टू एम के इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा पावर में एम सो इधर डब्ल्यू एन रेस टू प्लस एम के इन टू एक्स ऑफ के सो डीएफटी माइनस एम इज डब्ल्यू एन रेस टू एम के इन टू एक्स ऑफ है दिस प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग टाइम डोमेन में सिग्नल को डिले किया तो डीएफटी डोमेन में सिग्नल का फेस शिफ्ट हो जाएगा दिस विल कंट्रीब्यूट ओनली ये जो ट्विडल है ये खाली फेज चेंज करेगा बिकॉज इट इज इन दम ऑफ टू थीटा ई रेस टू जे थीटा का मैग्नीट्यूड वन है एंड ये उसका एंगल रहेगा इधर से एंगल मिलेगा तो एक्स ऑफ के को ये मल्टीप्लाई किया सो एक्स ऑफ एन का डीएफटी एक्स ऑफ के था अभी मैंने उसको डिले किया तो डीएफटी डोमेन में क्या हो गया डब्ल्यू एन रेस टू एम के मल्टीप्लीकेशन में आ गया डब्लू एन रेस टू एम के विल कंट्रीब्यूट दो इफ यू डिले दिग्नल इन टाइम डोमेन जेस इन डी एफ टी डोमेन ऐसा उसका मतलब है यहाँ पे अगर हम लोग को एडवांस किया एक्स ऑफ एन प्लस एम तो इसका डीएफटी विल बी हियर दिस इज डब्ल्यू एन डेस टू माइनस के, डब्ल्यू एन रेस टू माइनस एम के इधर प्लस एम है तो इधर माइनस एम है इधर माइनस है तो इधर प्लस रहेगा डब्ल्यू एन रेस टू माइनस एमके इन टू एक्स ऑफ के अगर ये आप लोग लीड फेज है तो इधर लैक फेज होगा मतलब उतने से फेज कम हो जाएगा इसमें उतने का फेज एड हो जाएगा लाइक दिस ऐसा ओके देन डी एफ टी ऑफ एक्सौ माइनस एन प्लस एम इज डब्ल्यू एन रेस्टू अभी इसमें से अगर मैं माइनस बाहर निकाल देता है तो क्या रहेगा एन माइनस एम रहेगा एन माइनस एम है तो उसका डब्ल्यू एन रेस प्लस एम के एंड इधर माइनस से एन बाहर निकला है मतलब इट इज डी एफ टी ऑफ एक माइनस एन माइनस एन का डी एफ टी इज माइनस के सो डी एफ टी ऑफ एक्सो माइनस एन प्लस एम के इंटू एक्स माइनस के मैं इसको ख्याल में कैसा रखता हूँ तो माइनस एम एन माइनस साइन बाहर निकाला तो so, ब्रैकेट में रहेगा एन माइनस एम सो एन माइनस एम रहेगा तो उसका डीएफटी क्या रहेगा डब्ल्यू एन रेस टू एम के इंटू एक्स के बट अभी माइनस साइन बाहर है ओके तो इज डी एफ टी ऑफ एक्स माइनस एन एंड ऑफ माइनस एन इज ऑफ माइनस के लाइक दिस ओके अभी इसका प्रूफ अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग आईडीएफटी का प्रॉपर्टी यूज कर आईडीएफटी का डेफिनेशन यूज कर रहे हैं सो यूजिंग आईडीएफटी डी एफ टी एक्स ऑफ एन ऑफ ट एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू दिस वन ओके एंड फिर एन इज रिप्लेस बाय एन माइनस एम कर रहे हैं तो यहां पे एन इज रिप्लेस बाय एन माइनस एम ओके एंड देन सिंप्लीफाई कर रहे एक्स ऑफ के डब्लू एन रेस टू माइनस एन के प्लस एम के ऐसे उसको सिंप्लीफाई किया डब्लू एन रेस टू एम के बाहर निकाला हम लोग समेशन के ओके okay? and we can write this is 1 uh, by n summation of x of k into w n raised to minus n k. Okay, and फिर इसका हम लोग DFT ले रहे हैं. इसका DFT लेंगे हम लोग. तो इधर रहेगा because this is inverse DFT of inverse DFT का definition है बरोबर है. तो इसका DFT लेंगे हम लोग तो ये इसका DFT will be x of k आएगा only. And this is w n raised to m k. So w n raised to m k constant है जिसको हम लोग बाहर निकाला. ज इट इज एन एक्स ऑफ के करके ऐसा डी एफ टी ऑफ एन माइनस एम उसका प्रूफ सो इधर डीएफटी लिया तो ये इनवर्स डीएफटी है, दिस से है. आ, मिलेगा आपको ऐसा है एंड फंक्शन रहेगा खाली यहाँ पे ऐसा हम लोग प्रॉपर्टीज उसका वी है ओके okay? कि सपोज एक्स ऑफ एन है आप लोग का एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर है एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर है ओके okay? एंड आपको ऑफटेन करना है एक्स ऑफ एन माइनस वन एक्स ऑफ एन माइनस वन ऑफटेन करना है तो एक्स ऑफ एन माइनस वन कैसा रहेगा तो इट शुड लाइक दिस फोर वन टू थ्री Okay. ये फोर जो है इधर लेके आए फोर वन टू थ्री लाइक दिस ऐसा अभी अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं ऑन सर्कल रिप्रेजेंट करता हूँ तो इट विल बी लाइक दिस फोर पार्ट में इसको डिवाइड किया हम लोगों ने दिस इज वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ऐसा हम लोग ने एंट्री किया एक वन टू थ्री फोर ऑन दिस सर्कल दिस इज एक्स ऑफ एन ये एक्स ऑफ एन है ओके okay? अभी एक्स ऑफ एन माइनस वन करना है तो इसको आपको एक से रोटेट करना है क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एक से रोटेट करेंगे तो कैसा हो जाएगा ओके okay? एक से अगर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो फोर इधर आ जाएगा फोर वन टू थ्री ऐसा ओके एंड दिस इज एक्स ऑफ एन माइनस वन एक्स ऑफ एन माइनस लिखा फिर हम लोग ने रीड किया फोर वन टू थ्री रीड ऐसे ही करेंगे जैसे वन टू थ्री फोर रीड किया वैसे इसको एक से रोटेट करेंगे इसको एक सर्कल को अनरीड अं करेंगे तो इट इज फोर वन टू थ्री ओके सो एक्स ऑफ एन माइनस हर टाइम तो अभी ऐसा नहीं देखेंगे दिस इज कॉल इसलिए इसको सर्कुलर शिफ्ट बोल रहे हैं ओके क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज इसको रोटेट करेंगे एंड देर फोर इट इज वी कॉल्ड एज ए सर्कुलर शिफ्ट अभी हम लोगों ने ऐसा रोटेट किया क्लॉक वाइज रोटेट किया ओके okay? अभी यहां पे अगर देख रहे हैं आप लोग तो n का साइन प्लस है n कॉन्स्टेंट का साइन माइनस है मतलब यहां पे हम लोग शॉर्ट में कैसा ख्याल में रखते हैं, अपोजिट साइन है वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट का अपोजिट साइन ओके सो अगर अपोजिट साइन है तो शिफ्ट राइट एक्स ऑफ एन बाय वन ओके अपोजिट साइन है एन का साइन प्लस है और कॉन्स्टेंट का साइन माइनस है मतलब अपोजिट साइन है तो एक्स ऑफ एन को राइट right में शिफ्ट करना है से से right में मतलब इधर करना करेंगे. तो x of n है, उस पर x ऑफ एन प्लस वन तो अभी क्या करेंगे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे x से तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वन यहां से इधर आ जाएगा ओके रोटेट लेफ्ट एंड रोटेट राइट अब लोग माइक्रो प्रोसेसर में करते वैसा तो ये वन इधर आ जाएगा एंड इट विल बिकम नाउ टू थ्री फोर वन सो अभी एन एंड कॉन्स्टन का वैल्यू क्या है सेम है तो सेम साइन सॉरी साइन सेम है एन एंड कॉन्स्टन का सेम साइन शिफ्ट लेफ्ट एक्स ऑफ एन बाय वन ऐसा ख्याल में रखने का है साइन सेम है तो शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट मतलब इधर अपोजिट साइन है तो शिफ्ट राइट राइटी सो ये सर्कल है one, two, three, ये है आप का इसको अभी एक से शिफ्ट करना है एक्स ऑफ एन प्लस करना है तो अभी इंस्टेड ऑफ क्लॉक वाइज रोटेशन इट इज एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन सो एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन करते हैं तो टू इधर आ जाएगा ओके टू इधर आ जाएगा एंड देन वॉट विज दैट इधर थ्री इधर फोर एंड हियर इट इज वन टू थ्री फोर वन Like this. मतलब आप रोटेट कैसा किया है? तो ऐसा रोटेट किया एंटीक माइनस एन ऑफेंड करना है से, तो कैसा रहेगा रहे तो ये वन टू थ्री फोर एक्स ऑफ एन है तो पहला सैंपल एज इट इज रहेगा फर्स्ट सैंपल एज इट इज आगे के जो सैंपल है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है ओके okay? आगे के सैंपल का जो स्विप मारना है रिवर्स ऑर्डर में लिखना है एंड इट इज फोर थ्री टू ओके वन एज इट इज सो फर्स्ट सैंपल एज इट इज की फर्स्ट सैंपल एज इट इज एंड रिवर्स द ऑर्डर ऑफ अदर सैंपल रिवर्स द ऑफ रिवर्स किया ऐसा क्यों किया हम लोगों ने तो अभी ये जो है एक्स ऑफ एन है तो हम लोग बोलते हैं वन टू थ्री फोर क्लॉक वाइज जाते हैं एक्स ऑफ माइनस वन रीड करना है तो आप लोगों को एंटी क्लॉक वाइज रीड करना है रीड एंटी क्लॉक वाइज लाइक दिस ओके वन फोर थ्री टू नी तो आपको मिलेगा एक्सो ऑफ n एन okay. ओके ये डायरेक्शन में रीड करना पड़ेगा आप लोगों को तो रीड ये डायरेक्शन यहां पे हम लोग ऐसा रीड कर दे वन टू थ्री फोर क्लॉकवाइज रीड किया तो एक सौ ऑफ मिलेगा सर्कल पे एंटी क्लॉकवाइज रीड किया तो आपको मिलेगा वन फोर थ्री टू वन फोर थ्री टू एंड दैट इज एक्स ऑफ माइनस एन ओके लाइक दिस

सो अपोजिट साइन शिफ्ट राइट एक्स ऑफ़ माइनस एन बाय वन सो ये एक्स ऑफ़ माइनस एन है उसको राइट right में शिफ्ट करना है एक से तो इट विल बिकम टू वन फोर थ्री ओके सो इट विल बिकम टू वन फोर थ्री ओके टू वन फोर थ्री सो एक्स ऑफ़ माइनस एन प्लस वन भी इट सी लाइक दिस अपोजिट साइन शिफ्ट राइट एक्सो माइनस एन बाय वन ओके Then, X of minus N minus 1. अभी सेम साइन है तो सेम साइन रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग सेम साइन शिफ्ट लेफ्ट एक्स ऑफ माइनस एन बाय वन ओके एक्से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, by one. So, X of minus N है बाय वन सो एक्स ऑफ माइनस एन है एक से इधर शिफ्ट करेंगे तो वॉट योर गेडिंग इज फोर थ्री टू वन फोर थ्री टू वन जनि this is uh, x of minus n minus 1 and this is what are the circular time shifting okay circular time shifting okay now next time we'll see the problem based on this time shift property thank you